हर ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। मेरठ राफ बटालियन के 44 जवानों सहित 230 और कोरोना वायरस से संक्रमित मेरठ। न्यूज इन हिंदी। जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 1561 मरीज उपचाराधीन है, वहीं बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो गई। शर्फिस मेरठ राफ बटालियन के 44 जवानों सहित 230 और कोरोना वायरस से संक्रमित। प्रतीकात्मक तस्वीर न्यूज 18 हिंदी। लास्ट अपडेटेड सितंबर 13, 2020 5:52 आइस्ट मेरठ। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में शनिवार को रैपिड एक्शन फोर्स RAF के 44 जवानों सहित 230 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,975 हो गई है। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार रात दी गई जानकारी के अनुसार सामने आए 230 नए संक्रमितों में गांव कूठा स्थित RAF बटालियन के 44 जवान और पुलिस लाइन का एक पुलिस कर्मी शामिल है। जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 1561 मरीज उपचाराधीन है, वहीं बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो गई। इस तरह जिले में इस महामारी में कुल 150 मरीज जान गंवा चुके हैं। शनिवार को 89 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि जिले में पिछले 24 घंटे में 2 महिलाओं की, जिनकी उम्र 48 और 77 साल है, की मौत हुई है। इनके अलावा 3 पुरुषों जिनकी उम्र क्रमश 71, 55 और 65 की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। नोएडा में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार। विज्ञापन। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में 198 नए मरीजों के सामने आने के साथ ही यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 के पार हो गई है। कोविड-19 के संक्रमण से जनपद में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला निगरानी अधिकारी नीरज त्यागी ने बताया कि शनिवार को 198 लोगों में कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 117 मरीजों को उपचार बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। हर ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें।